स्मृति रानी कहाँ गई, सिलेंडर वाली रानी, उनका तो नाम रख देना चाहिए सिलेंडर वाली रानी। ना ना ना, भारत नहीं बदल रहा है, मोदी जी भारत को बदल रहे हैं। जनता को पुराना ही भारत चाहिए, नया भारत नहीं चाहिए। उनके सांसद विधायक जितना घोटाला करता, हमको नहीं लगता है कोई सरकार आज तक किया होगा। यहाँ तो केजरीवाल जीते ही हैं, अब हम लोग बिहार भी जाएंगे जीतने के लिए। जो समर्थन करते होंगे वो उनका पक्का भक्त होंगे। आप ओरिजिनल गोदी मीडिया लग रहे हैं, मोदी मीडिया गोदी मीडिया दोनों मीडिया है। आप जिसके घर में चार परिवार है, 5 किलो गेहूँ और चावल खा के 1 महीना रह सकते हैं आप, ये बता दीजिए। मोदी जी से कोई ना चावल मांग रहा है ना कोई गेहूँ मांग रहा है, मोदी जी से सिर्फ नौकरी मांग रहा है और पढ़ाई मांग रहा है। सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा। मैं तो मोदी जी मेरे देश की प्रधानमंत्री है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और एक उनका मैं सबसे पहले तो उनको जो ये हर दिन उनका इतना ही काम होता है, कभी ईडी लगा दो, कभी सीबीआई लगा दो, कभी कुछ कर लो, ये काम छोड़ करके हमारे मोदी जी स्कूल के लिए अच्छे काम करना चाहिए उनको। महंगाई जो बढ़ रहा है उसको रोकना चाहिए। जो सरसों का तेल आज से करीब 15 साल पहले हम 40 या 45 रुपये किलो खरीदते थे, आज वो सरसों का तेल 370 रुपये किलो हो गया है। अब बताइए, ये कह रहे हैं महंगाई कम हो रहा है, हम मोदी जी से यही पूछना चाह रहे हैं, मोदी जी कहाँ महंगाई हो रहा है, कहाँ महंगाई खत्म हो रहा है? ये बोलते हैं महंगाई खत्म है, कहाँ है महंगाई? एक बात बताइए, कहाँ है महंगाई? अच्छा ये बोलिए, 370 रुपये किलो तेल आपके घर में आता होगा तो आपको दुख नहीं लगता जब 40 रुपये किलो तेल खरीदते थे, अभी 370 रुपये किलो तेल। जो सिलेंडर हम 340 में भराते थे वो सिलेंडर आज 1170 में भर जाते हैं, ये क्या है? ये महंगाई नहीं दिखाई देता है उनको? कहाँ जनता खुश? यदि जनता खुश रहता हर जगह तो देखिए सरकार तो बन ही रहा है, कहाँ नहीं बना? अभी और जगह का छोड़ दीजिए, यदि महंगाई ये इतना बढ़ा, सस्ता रहता, महंगा रहता जो भी कुछ, तो अभी जो दिल्ली में हमारे सरकार बना है केजरीवाल को, वो कहाँ से कैसे बन गया? भारत बदल रहा है, आप लोग पचा नहीं पा रहे। ना ना ना, भारत नहीं बदल रहा है, मोदी जी भारत को बदल रहे हैं। महंगाई बढ़ा भरा के नया भारत आप लोगों को स्वीकार? ना ना ना, मुझे पुराना ही भारत चाहिए। जनता को क्या चाहिए? जनता को पुराना ही भारत चाहिए, नया भारत नहीं चाहिए। वो सिर्फ मंदिर 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 में क्या करेंगे बताइए? मंदिर में हम अपना बच्चे को जाके और बैठा देंगे, उनके जो परिवार है वो मंदिर में बैठने से चल जाएगा? हमारे मोदी जी मंदिर सिर्फ मंदिर बनाने की बात हो रही है। हाँ ठीक है, वो बना रहे, मैं ये मानती हूँ मंदिर बनाए, लेकिन ऐसे गलत काम तो ना करे, जो अच्छे काम करे उनको तो ना रखे। हमारे मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करवा दिए, अब बताइए ये क्या किए? वो अच्छे काम करने के लिए स्कूल तो अच्छे से चला रहा है, स्कूल तो अच्छे बनाए हैं, कहाँ शराब गलत तरीके से? अरे कहाँ 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 कहाँ, ये बिल्कुल झूठ उन पे आरोप लगा रहे हैं मोदी जी का, जितने नेता है सारे, और मोदी जी भी। मोदी जी थोड़ा सा इसमें लगाम लगाए, वो अपने सांसद और विधायक पे, उनके सांसद विधायक जितना घोटाला करता, हमको नहीं लगता है कोई सरकार आज तक किया होगा। यदि कोई सांसद इतना घोटाला करता तो क्या इतने जो सरकार बन रहा है वो बनता ही नहीं? अगर पाक साफ है तो जांच में सहयोग करे ना। हाँ, जांच में सहयोग करे, अगर पाक साफ है तो जांच तो मैं तो सहयोग कर ही रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं ये बता दीजिए। अरे अम्मा सिलेंडर लेकर कोई अब नहीं आता आंदोलन करने, महंगाई कम है। हाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, घर चला है। क्यों पहले सिलेंडर सस्ता था? क्या स्मृति रानी कहाँ गई, सिलेंडर वाली रानी, उनका तो नाम रख देना चाहिए सिलेंडर वाली रानी। यस, क्योंकि वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी चौराहे पे, अभी तो बैठे सिलेंडर लेके वो, अब कहाँ गई सिलेंडर? बिहार में जाके आप देखिए सिलेंडर का क्या हाल हो रहा है, ऐसे ही लोग लुटका लुटका के सिलेंडर को फेंक रहा है, और लोग ऐसे ही
लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, फिर से लोग चूल्हे पे आ गए, कहाँ से भरा गया? एक बात बताइए, अभी लोग खेती करता है, खेती देखिए बारिश बेमौसम बारिश हुई, पत्थर गिर गया, अनाज कहाँ से आएगा? लोग बिहार के लोग तो अनाज ही बेचते हैं ना, उसी से चलता है ना, उसी से उनका परिवार चलता है। तो ये सिलेंडर सिलेंडर कहाँ गया सिलेंडर इनका, ये बता दीजिए। अब देख लीजिए, अब बिहार को भी आप देख लीजिए, इस बार वो जीत ले, इस बार मैं भी कह रही हूँ वो बिहार जीत ले ना, यहाँ तो केजरीवाल जीते ही हैं, अब हम लोग बिहार भी जाएंगे जीतने के लिए। वो नॉर्थ ईस्ट के सारे तीनों राज्य जीत गए हैं, वो उनका तो बस चोरी चोरी, हर जगह चोरी चोरी से वो जीते हैं। नहीं, वो चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है जो वो नहीं करते हैं, चोरी तो वो करते हैं भाई भाई, ऐसा बात नहीं, आप ऐसे नहीं कहिए। अच्छा नहीं 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 ऐसे लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, जो समर्थन करते होंगे वो उन्हीं उनका पक्का भक्त होंगे, हम लोग उनका नहीं है भक्त, हम तो एक जनता के थ्रू यहाँ आए हैं, हम जनते समझ लीजिए हमको। अरे क्या मोदी जी नाम कर दिए, आप भी ना मोदी जी का लगता है ना शायद, कौन सा भक्का हूँ क्या कहूँ, आप गोदी मीडिया लगते हैं दिखाने में, आप ओरिजिनल गोदी मीडिया लग रहे हैं, मोदी मीडिया गोदी मीडिया दोनों मीडिया है आप। अच्छा ये कह रहे हैं कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वहाँ भुखमरी है, लेकिन भारत देखो आज अच्छा, मोदी जी गेहूँ उपजाते हैं क्या मुझे बता दीजिए, मोदी जी धान बोते हैं क्या बता दीजिए, मोदी जी सिलेंडर भरते हैं क्या बता दीजिए, मोदी जी बताएंगे कौन सा देश भूखा है, मोदी जी ही बताएंगे, सारी बात खत्म। वो प्रधानमंत्री है, हम अपने इस मुद्दा पे कर रहे हैं कि मनोज सिसोदिया जी को क्यों गिरफ्तार करा गया, कुछ उनके पास नहीं मिला है, और मोदी जी क्या करते हैं जो विदेश जहाँ भी जा रहे हो कहावत चले रही है कि बैठल बड़ा पूजा पर मन बा हमारा भूजा पर, रहेंगे विदेश में, दिल्ली पे उनका टारगेट सरकारी, उनके लीड टाइम केजरीवाल, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उनका ध्यान यहाँ रहता भी है बिहार में भी ध्यान रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, इसलिए जी क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, तो उनको अपने काम से बदल रखे, और केजरीवाल जी को अपना दिल्ली संभाल रहे और देश संभाल संभालना चाहिए, लेडीजों का बस फ्री किए हैं, बच्चों को फ्री किए हैं, हर चीज केजरीवाल फ्री किए, बिजली बिल फ्री किए हैं, गरीब आदमी का बच्चा का कहाँ पढ़ेगा, स्कूल इतना अच्छा बना है दिल्ली सरकार की, लेडीजों को नहीं बना रहे हैं, हम पहले भी तो जाते थे, जो बना दिए सरकार तो जा रहे हैं, हमारे से सरकार है, सरकार से हम है, हाँ दिल्ली सरकार इसलिए है कि हम लोग का बच्चा पढ़ रहा है, हमारी बच्चियां जा रही है, सुरक्षित है, लाडली योजना, हर चीज केजरीवाल। अभी मोदी जी हमारे धान रोपते हैं, कौन रोपता है, किसान रोपता है, तो सम्मान निधि से पैसा दे रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, आपके अकाउंट में लगता है बहुत पैसा आया होगा, हमारे अकाउंट में तो भैया नहीं आया, हमें भी तो बोले कि नहीं आया, हम लोग सरकारी जॉब पाले हैं, हमें तो उनका ना टैक्स भरते भरते हम लोग हालत खराब हो, जो कमाया मोदी जी को टैक्स भर दो, चले जाओ दिल्ली छोड़ के, ऐसा तरक्की भाई ना चाहिए, जो ना कोई सीट निकल रहा है, ना मेडिकल के लिए सीट निकल रहा है, ना इंजीनियरिंग के लिए, हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के रोड पर क्या वो बोल रहे हैं, चाय बनाओ पकौड़ा तलो, चाय पकौड़ा तलवाएंगे क्या? मोदी जी से मेरा यही विनती है, यही प्रार्थना है हाथ जोड़ से, जो मोदी जी चाय पकौड़ा बच्चे लोग को मत करवाइए, आज के जनरेशन यदि बना रहे हैं तो उनको थोड़ा सा जॉब वो बढ़िया से निकाल दीजिए, और आप जीतिए, आप यदि अच्छा काम करिएगा तो आपको क्यों नहीं लोग वोट देगा, आपको तो जीतना ही चाहिए, लेकिन आप यदि दिल्ली अभी हारे हैं आप कुछ तो सीखना चाहिए ना, जिसको शादी शुदा है, ये इतने इतने दूर से इतने लोग आए हैं, ये लोग धान रोपते हैं, मोदी जी धान गेहूँ नहीं रोपते हैं, ये बात समझ लीजिए, मोदी जी तो शादीशुदा भी नहीं है, हम लोग तो शादीशुदा वाले हैं, सरकारी वाले, प्राइवेट वाले आदमी और प्राइवेट नौकरी है, तो बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, महिला बस में जाएंगी ही, तो हम सरकार केजरीवाल भी नहीं बनाए, जहां हमको सुविधा मिलेगा जनता उसी को चुनेगी, जहां से हमें क्या राशन मिल रहा है, हमारा 4 किलो में एक एक चीज बताइए, 4 किलो में महीना पूरा हो जाएगा, आप इसका जवाब दीजिए,
आप अगर 1 किलो चावल 4 किलो गेहूं में जला लोगे। मोदी सिलेंडर का है ना, रसोई के लिए करना चाहिए ना, मोदी करे रसोई के लिए। हमारे शिक्षा मंत्री क्यों जेल में डाला? शिक्षा मंत्री की रिहाई चाहिए। 5 हो गया सिलेंडर, 1100 का कैसे होते हैं? 5 किलो धान गेहूँ, मान लो धान चावल और गेहूँ देते हैं 5 किलो में, जिसके घर में 4 परिवार है, जिसके घर में 4 परिवार है, 5 किलो गेहूँ और चावल खा के 1 महीना रह सकते हैं आप, ये बता दीजिए। इससे बढ़िया तो पहले वाला सरकार है, कम से कम 340 रुपया में सिलेंडर तो हम भरा लेते थे, अभी हम 1200 का सिलेंडर भराते हैं। ये क्या है अब तो 1100 में सिलेंडर, जिसके पास 1100 में नहीं रुपया है, पहले तो इंसेंटिव भी जाती थी, पहले तो जा भी नहीं रही थी, अब हम कहाँ जाएंगे? 1100 रुपया नहीं है तो हमारे बच्चे भूखे मरे? मोदी जी क्या काम किए हैं गरीबों के लिए, क्या किए हैं बताओ? अमीर के लिए बताओ, गरीब के लिए नहीं, गरीब के लिए हमारे ये केजरीवाल बड़े बड़े उद्योगपति के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए ना, गरीबों को खाली ना ठके हैं, सिलेंडर देंगे चावल देंगे। अरे मत दीजिए ना चावल, आप मत दीजिए ना चावल, मोदी जी से कोई ना चावल मांग रहा है ना कोई गेहूं मांग रहा है, मोदी जी से सिर्फ नौकरी मांग रहा है और पढ़ाई मांग रहा है। मोदी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे जो मोदी जी सिर्फ आप इतना करा दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ से कि मेरा विनती। मैं मिंटू झा, दरभंगा जिला, बिहार से।